हाय, दिस इज अभाष एंड यू आर लिस्निंग टू स्टोरीज विद अभाषा पॉडकास्ट। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये पॉडकास्ट अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव हो चुका है, जिसका मतलब आप सारे एपिसोड्स स्पॉटिफाई पे 7 दिन पहले सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लो। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, आज के एपिसोड की तरफ। रोज की तरह अखिल रात को 10 बजे वॉक करने के बाद अपने घर पहुंचा। वो रोजी डिनर के बाद अपनी गली के कुछ चक्कर लगाता है, कानों में ईयरफोन्स लगाए सैड से गाने सुनते सुनते कभी गली के कुत्तों के साथ भी खेल लिया करता है। अगर आप उससे कुछ महीने पहले मिलते ना, तो आपको पता चलता कि उसे सैड सॉन्ग से कितनी नफरत थी, पर आजकल वो उन्हीं गानों का दीवाना हुआ पड़ा है। दोस्त की इस हरकत से आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि शायद वो मूव ऑन फेज में है अभी, क्योंकि जब हम सैड होते हैं अक्सर हम तभी सैड सॉन्ग सुनना प्रेफर करते हैं। कितनी अजीब बात है ना। तो रात में जब अखिल अपनी वॉक खत्म करके घर पहुंचा, उसने अपनी मम्मी को देखकर हल्की सी स्माइल की और उसके पापा न्यूज सुनने में ही लगे थे, और वो सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसने ईयरफोन्स और फोन को साइड टेबल पर रख दिया और वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर जब वापस कमरे में आया तो उसने दूर से देखा कि उसके फोन में लाइट जल रही थी, कोई नोटिफिकेशन होगी। उसने इग्नोर किया और कबर्ड में से अपने रात वाले कपड़े निकाले और पहन लिए। उसने बुक शेल्फ में से बुक निकाली और पढ़ने लगा। उसे पहले बुक्स भी पढ़ना पसंद नहीं था, पर अब वो धीरे धीरे नई आदतें डाल रहा है। 2 घंटे तक रीडिंग करते करते जब उसकी आंखें भारी होने लगी, तब जाकर उसने बुक को वापस शेल्फ में रखा और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। और सोने से पहले तो सभी फोन चेक करते हैं, उसने भी किया। वो लेटा हुआ था, फोन को उसने जैसे ही देखा चौंक कर बैठ गया। व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन थी, अनन्या का मैसेज। अखिल ने नोटिफिकेशन से ही मैसेज पढ़ लिया था। उसमें केवल यही लिखा था, हाय अखिल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मैसेज से इतना चौंकने की क्या जरूरत है, आगे सब पता चलेगा। अखिल ने अपना फोन साइड में रख दिया और सर पे हाथ रखकर फिर लेट गया। वो एक सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था 2 महीने के बाद अचानक अनन्या का टेक्स्ट। उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा था, तो अनब्लॉक कब किया, क्यों किया, मेरी अचानक क्या जरूरत पड़ गई उसे, क्या बात हो सकती है, रिप्लाई करूं या इग्नोर कर दूं। अनन्या, वही लड़की जिसने अखिल की लाइफ बदल के रख दी है। एक खुश मिजाज इंसान को उदास कर दिया और क्लोजर भी नहीं दिया। अखिल माने ना माने, पर आज भी दिन में एक बार तो उसके बारे में सोचता ही है। दर्द भरे गाने सुनने की वजह भी अनन्या ही है। पिछले 2 महीने से अनन्या ने अखिल को ब्लॉक कर रखा था, और आज अचानक ही एक मैसेज कर दिया तो झटका तो लगेगा ही। पर आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या था, अनन्या ने अखिल को ब्लॉक क्यों किया था, अखिल यहां तक कैसे पहुंचा था, इसे जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बस 6 महीने पहले की बात है। अखिल एक सुपरमार्केट में था और घर के लिए सब्जियां खरीद रहा था। बिलिंग काउंटर पर जब वो गया तो उसके आगे पहले से ही एक लड़की खड़ी थी, जो कि परेशान थी क्योंकि वो स्टोर फिलहाल के लिए UPI पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और उसके पास कैश था नहीं। तो वो लड़की पलटी, उसे अखिल दिखा। उसने अखिल से पूछा कि हाय, ये स्टोर UPI ले नहीं रहा है, सो कैन यू हेल्प मी, अगर आपके पास कैश है तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपको UPI कर देती हूँ। अखिल ने कहा, हाँ मेरे पास कैश है, मैं कर देता हूँ पे, डोंट वरी। और उसने अखिल को सुन के कहा, थैंक यू सो मच, मैं बाहर वेट करती हूँ आपका। अखिल ने अपनी सब्जियां और उसके कुछ सामान का बिल कराया और पेमेंट करके बाहर निकला तो वो गेट के सामने ही खड़ी थी। उसने बोला, आप अपना नंबर बताओ, मैं पे कर देती हूँ। अखिल ने मस्ती वाली टोन में बोला, नहीं ऐसे पैसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, संडे का दिन है, आप भी शायद फ्री होगी और मुझे बहुत जोर की भूख भी लग रही है, सो व्हाट से, कुछ खिला दो, चल के कुछ खा लेते हैं। अखिल किसी से भी बात करने में बहुत आगे था, मतलब एक अलग जादू था उसके अंदर कि उसको कोई ना बोल ही नहीं सकता, और ऐसा ही तब भी हुआ। ओके, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, क्या खाना है आपको बताओ, उस लड़की ने अखिल से पूछा। फर्स्ट फ्लोर पे पिज्जा शॉप है, बहुत टेस्टी पिज्जा मिलता है, वहीं चलते हैं, अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों जब पिज्जा खाने लगे तो दोनों में बातें हुई। उस लड़की ने बताया कि वो करियर काउंसिलर है और यहीं एक गली छोड़कर ही रहती है। अखिल ने अपनी जॉब के बारे में बताया कि वो सेल्स में कितना बोर हो रहा है, पर अब छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि कंफर्ट जोन मिल गया है उसे वहां। कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जब उनकी सही बातचीत हो रही थी
और कुछ मोमेंट्स ऐसे भी थे जब दोनों शांत बैठ जाते थे और किसी के पास कोई शब्द ही नहीं बचते थे कुछ बोलने के लिए। और तब वो लड़की अखिल की तरफ बहुत प्यार से देखती थी, मानो एडमायर कर रही हो उसे। अखिल के बाल उसी के माथे पे आ रहे थे और पंखे की हवा से जरा जरा से उड़ रहे थे। उसके होठों पे पिज्जा खाने के बाद चीज चिपक गई थी जो कि उस लड़की ने अपनी उंगली से हटाई। और लोग देख रहे थे तो लग रहा था वो दोनों डेट पर आए हैं, पर वो दोनों पहली बार मिल रहे थे और वो भी गलती से ही मिले हैं। क्योंकि अगर उसके पीछे अखिल की जगह कोई और होता या वो स्टोर यूपीआई पेमेंट ही एक्सेप्ट कर लेता तो अभी अखिल यहां पर होता ही नहीं। तो कुछ चीजें यूनिवर्स पे छोड़ देनी चाहिए, कब किससे मिलना है वो सब वही संभाल लेगा। तुम बस मोमेंट को एंजॉय करो। फिर जब दोनों का पिज्जा खत्म हो गया और दोनों उठकर जाने लगे तो उस लड़की ने बोला, अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए, 50 रुपीज रह रहे हैं। तो उस पर अखिल ने बोला, कोई नहीं, नॉट अ बिग डील। तो उसने जवाब दिया, ऐसे कैसे, आप अपना नंबर दो, मैं पे कर देती हूं ना, और एल्स हम कुछ और भी खा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर लग रहा था कि अखिल की कंपनी उसे पसंद आ रही थी। पर उस पर अखिल ने बोला, नहीं यार, आई एम फुल, पर नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं तो प्लान करते हैं। और वो जाने लगा तभी पीछे से उस लड़की ने आवाज लगाई, लेकिन हम दोनों ने इतनी बातें कर ली पर एक दूसरे से नाम तो पूछा ही नहीं और नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं किए, तो अगली बार कैसे मिलेंगे। तो उस पर अखिल ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, नाम तो पूछा ही नहीं, कैसा बुद्धू हूं मैं, बाय द वे मेरा नाम अखिल है, और आपका। उस लड़की ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और अखिल ने उससे हाथ मिलाया, और तब उसने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया कि आई एम गीतिका, गीतिका सहानी, यू कैन कॉल मी गीत, एंड नाइस टू मीट यू। फिर उन दोनों ने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए। कुछ दोस्तियां राह चलते भी हो जाती है, अखिल और गीतिका के साथ भी यही हुआ। वो दोनों जब सुपरमार्केट के लिए निकले होंगे तो उन्हें थोड़ी ना पता होगा आज एक नया दोस्त बनाकर घर लौटेंगे, और यही तो जिंदगी का मजा है, कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो बस चलते रहो, आगे बहुत से नए सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं। पर एक सेकेंड, शुरुआत तो अनन्या से हुई थी ना, अनन्या का अखिल को व्हाट्सएप आया था, अखिल अनन्या की वजह से परेशान है, अनन्या ने अखिल को ब्लॉक कर रखा था। वही तो जानने के लिए आपने सुनी है कहानी यहां तक। जब कहानी अनन्या से शुरू हुई थी तो फिर ये गीतिका का जिक्र क्यों हुआ इस कहानी में, आगे सब पता चलेगा। सवाल कई सारे हैं और आगे चल के सबके जवाब भी मिलेंगे। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभास झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल राइमाटैक्स को विजिट कर सकते हैं, या Spotify, Prime Music, जियो सावन जैसे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पे टाइप करें मेरा नाम आभास झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।